ये बात सही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत खेल प्रेमी है और मैदानी व्यक्ति हैं, और इसलिए इनसे कुछ मांगने की जरूरत कभी भी नहीं होगी, ये मैं आपसे दावे से कहता हूं। ये देखेंगे और देंगे, मैं इनका स्वभाव जानता हूं, और इसलिए कोई मांग मत करना है किसी भी प्रकार की। ये आपको सुझाव दे रहा हूं, बस अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, अच्छा प्रदर्शन करना है। मुझे विश्वास जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, पर उन्होंने एक बात कही कि जो जीता वो सिकंदर। खिलाड़ियों के लिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता, इसे सुधार करना विश्वास भाई। जो जीता वो विनम्र, सिकंदर बन जाता है तो कलर खड़ी हो जाती है और उसके बाद फिर कभी नहीं जीतता है। इसीलिए जब जब जीत हासिल हो उतने विनम्र बने हम, उतना ज्यादा खेल के प्रति और समर्पण के साथ खेलें। बड़े खिलाड़ी का आप किसी का भी जीवन उठा के देख लीजिए, इतनी विनम्रता के साथ। मैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिला, पहलवानों से मिला, इतने विनम्र की बस। सतपाल पहलवान कितना बड़ा है, मैं हरियाणा का प्रभारी बनकर गया, आते उन्होंने मेरे पे पूछा, अरे मैंने क्या पहलवान, आप इतने बड़े पहलवान। ये विनम्रता है, ये सहजता है। तो बड़ा आदमी बनता है तो विनम्रता से बनता है, जितना विनम्र होगा उतना बड़ा बनेगा। मैं खिलाड़ियों से यही कहना चाहता हूं, अच्छा उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करें। ओलंपिक संघ में बहुत अच्छी लीडरशिप है, ये लीडरशिप आपके साथ खड़ी है, बस आपको अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना है। और भोपाल, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का नाम, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो मन की बात में कहता है कि गुल्ली डंडे भी खेलो, सितोलिया भी खेलो, सितोलिया वो भी खेलो। मतलब इतना जमीन से जुड़े हुए, जैसे जमीन से जुड़े हुए प्रधानमंत्री, वैसे जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री है। उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर खेल को आगे बढ़ाएंगे।